वरुण धवन और कीर्ति सुरेश का बिगेस्ट एक्शन एंटरटेनर अपकमिंग फिल्म जिसका नाम है बेबी जॉन, उसका टीजर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म को पहले VG18 बोला गया था, लेकिन अब इस फिल्म का टाइटल अनाउंसमेंट हो चुका है और वरुण धवन की इस फिल्म का नाम बेबी जॉन रखा गया है। पहले ये बता जा रहा था कि ये थलापति विजय की थैरी मूवी का रीमेक होने वाला है, जिसको एटली कुमार ने ही डायरेक्ट किया हुआ था, और अब वरुण धवन मूवी के अंदर वैसे ही पैसे लगा रहे हैं। चलिए बात करते हैं बेबी जॉन के टीजर के बारे में। बेबी जॉन के टीजर को देखकर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सिनेमेटिक वाइब आ रही है। इसका मतलब कि बेबी जॉन मूवी को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सिनेमेटिक तरीके से बनाया गया है। अगर आप लोग यहाँ पर उसकी कलर ग्रेडिंग देखोगे तो यहाँ पर पूरा का पूरा रेड कलर दिखाया जा रहा है, जो ज़्यादातर फिल्म मेकर अपने फिल्म्स में नहीं करता है। ऐसी सिनेमेटोग्राफी वाली फिल्म तो मैंने भाई अभी तक तो नहीं देखी है। और इसी के साथ साथ मुझे बेबी जॉन का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आया है। जो बैकग्राउंड म्यूजिक बेबी जॉन के टीजर में बजता रहता है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है बॉस। लेकिन थमन एस ने भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड दिया हुआ है एज़ कम्पेयर टू अनिरुद्ध। उसी के साथ साथ हम लोगों को बताया जा रहा है कि एक एक्शन फिल्म भी होने वाली है। हालांकि यहाँ पर हम लोगों को एक्शन तो बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया गया है, लेकिन जो आखिर में थोड़े बहुत शॉट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा कमाल के थे। टीजर में तो इतना कुछ रिवील नहीं किया गया है, लेकिन जितना भी किया है वो बहुत ही अच्छा है। अगर हम लोग बेबी जॉन वाली मूवी की कहानी की बात करें तो बताया जा रहा है कि शायद से ये फिल्म जो है वो थलापति विजय की थेरी जो मूवी है उसका रीमेक होने वाला है। तो मैं उसी की कहानी आप लोगों को बता देता हूँ। कहानी ऐसी थी कि एक पुलिस ऑफिसर रहता है, पुलिस की नौकरी छोड़कर वो एक बेकरी में काम करने लगता है। फिर जब उसकी असलियत उसके लवर को पता चलती है तो वो अपनी बैक स्टोरी अपने लव लाइफ को बताता है, और उसकी बैक स्टोरी में कुछ ऐसा था कि उसकी पुलिस की वर्दी की वजह से उसका पूरा परिवार को मार दिया गया था, और उसके पास उसकी सिर्फ बच्ची ही बची है जिसकी वजह से वो अंडरग्राउंड रह रहा है ताकि उन गुंडों को उनके असलियत के बारे में पता ना चले। लेकिन एज यूजुअल गुंडों को उसके बारे में पता चल जाता है, और फिर विजय का कैरेक्टर आता है और एंड में विलन को खत्म करके आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि बेबी जॉन में भी ऐसी ही कुछ कहानी होने वाली है। बेबी जॉन मूवी में हम लोगों को वरुण धवन मेन लीड में दिख रहे हैं, और वो एक पुलिस ऑफिसर का रोल निभा सकता है इस फिल्म में। उनका ज़्यादातर लुक तो हम लोगों को नहीं दिखाया गया है, लेकिन जितना भी टीजर में दिखाया गया है वो बहुत ही कमाल का है और अच्छा भी लगा है। और मुझे ऐसा लगता है कि वरुण धवन ने इस फिल्म के लिए बॉडी भी बनाई होगी। बेबी जॉन मूवी में वरुण धवन के अलावा हम लोगों को कीर्ति सुरेश, वामिका गब्बी, जैकी श्रॉफ और राजपाल यादव भी देखने को मिलने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर विलन के रोल में जैकी श्रॉफ होने वाला है। वरुण धवन की इस फिल्म का रिलीज डेट का अनाउंसमेंट भी हो चुका है। ये फिल्म हम लोगों को थिएटर में 31 मई 2024 को देखने को मिलने वाली है, और बेबी जॉन मूवी को जियो सिनेमा के साथ एटली कुमार और उनकी पत्नी मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि एटली कुमार इस फिल्म से पैसा कमा पाता है या फिर नहीं। आप लोगों को इस फिल्म का टीजर कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।